देखने के लिए अब आपको फ्रांस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप एफिल टावर यहीं दिल्ली में आप देख सकते हैं वेस्टू वंडर पार्क में। दोस्तों ये है गीज़ा का पिरामिड जो आप दिल्ली में ही देख सकते हैं। यह है वेस्टू वंडर पार्क जिसे साउथ दिल्ली MCDA ने बनाया है। गीज़ा के महान पिरामिड। गीज़ा का महान पिरामिड दुनिया के 7 प्राचीन अजीबों में से एक है। इटली के पीसा के झुकी हुई मीनार को देखने के लिए अब आपको इटली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप वेस्टू वंडर पार्क दिल्ली में ही आप इसे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हूँ वेस्टू वंडर पार्क जिसे बनाया है साउथ दिल्ली MCDA ने। आपको पता है कि हमारे चंडीगढ़ में ये रॉक गार्डन है जिसे वेस्ट मटेरियल से पूरे पार्क को डेवलप किया गया है। ऐसे ही ये एक पार्क है निज़ामुद्दीन के पास, इसे नाम दिया है वेस्टू वंडर्स। यहाँ बिल्कुल डिस्कार्डेड चीज़ों से जो वेस्ट मटेरियल है उससे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसे बना जाता है, जैसे गीज़ा का पिरामिड, पीसा के मीनार और अपना ताजमहल और एफिल टावर, ऐसे सारे अजूबे यहाँ पे बने हुए हैं। और इवनिंग के वक्त इसमें लाइटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो आपके पास कभी भी जब टाइम है और इस तरह की चीज़ें आप देखना चाहते हैं, या अगर उन कंट्रीज़ में नहीं जा सकते और इन चीज़ों को पास से देखना चाहते हैं, तो आप वेस्टू वंडर पार्क में आ सकते हैं और इन चीज़ों को आप अपनी आँखों से यहीं दिल्ली में देख। दोस्तों ये पीछे मेरे है कोलेसियम एम्फीथिएटर जो कोलेसियम शहर में है इटली के। वैसे बहुत सारे यहाँ पे जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं इस पार्क में बनी हुई हैं। यहाँ पर आना बहुत आसान है, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, बाय रोड भी आ सकते हैं, तो रिंग रोड पे ही है। या मंडे टू सैटरडे जो कॉस्ट है एंट्री की वो है 50 रुपीज़ और संडे को 100 रुपीज़ पर एडल्ट कॉस्ट है। अपना ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे ऑनलाइन टिकटिंग अभी नहीं है, डेवलप हुई है, तो आप कैश और चेंज ज़रूर कैरी करें, वरना मुझे बहुत दिक्कत हुई चेंज की, क्योंकि द पर्सन वॉज इंसिस्टिंग ऑन द चेंज ऑफ द कैश। तो एनीवेज ये स्मॉल इश्यूज़ तो लगे रहते हैं, बट पार्क बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है, गार्डन एरिया आपके चारों तरफ है, तो ग्रीनरी के बीच में सारे वेंडर्स आपको देखने को मिल जाते हैं।
दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि मेरे मैं कहाँ झरने के पास आ गया हूँ, झरने की आवाज़ कैसे आ रही है, तो मैं किसी हिल स्टेशन या किसी झरने के पास नहीं हूँ। ये एक आर्टिफिशियल झरना है जो वेस्ट टू वंडर पार्क में अवेलेबल है। तो पूरा एक गार्डन पार्क है जिसमें झरने जैसी चीज़ें बनाई हुई हैं और वर्ल्ड के जितने भी 7 वंडर्स हैं उनके सब रेप्लिकास यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ अवेलेबल है करने के लिए, आप बहुत अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने वेस्ट टू वंडर पार्क पूरा देख लिया है, पूरा घूम लिया है और मैं कह सकता हूँ कि एक बेहतरीन जगह है जहाँ पर आप बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ या अकेले भी। क्योंकि इस पूरी जगह के अंदर नॉट ओनली कि बहुत अच्छा पार्क है, पूरा अच्छा गार्डन एरिया है, आप ग्रीनरी के बीच में हैं और ऐसी सब चीज़ों को आप देख सकते हैं जिन्हें वैसे हम किताबों में देखते थे। जैसे हम वर्ल्ड ऑफ वंडर्स से कहते हैं या 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जिन्हें कहते हैं, चाहे इसमें ताजमहल हो, लीनिंग टावर ऑफ पीसा हो, पिरामिड है, एफिल टावर है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ईटिंग एरिया भी बहुत अच्छा है, कैफेटेरिया यहाँ बहुत अच्छा है, आप आराम से यहाँ स्नैक्स ले सकते हैं। तो ओवरऑल एक वर्क प्लेस है जिसे आप विज़िट कर सकते हैं और कुछ कॉस्ट भी नहीं है। ये एंट्री टिकट जो है सिर्फ 50 रुपीस है वीक डेज़ में और संडे को 100 रुपीस। तो ये पार्क सबके लिए खास है, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों, एक बार ज़रूर आके देखना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में इस तरह की पहली बार एक पार्क डेवलप हुआ है, वरना हम रॉक गार्डन की तरफ देखते थे कि वहाँ पे वेस्ट से कितनी सुंदर, कितना बड़ा पार्क उन्होंने डेवलप किया है। तो ये भी एक बहुत सुंदर पार्क है जिसमें यहाँ पर आया जा सकता है। दोस्तों, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो पार्क है मंडे को क्लोज होता है, मंडे इज़ अ हॉलीडे हियर। तो वेस्ट टू वंडर पार्क है ये मंडे को क्लोज होता है, ट्यूसडे टू सैटरडे इसकी एंट्री कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर पर्सन और 3 साल से छोटे बच्चे फ्री हैं। और संडे को यहाँ पे एंट्री टिकट की कॉस्ट है 100 रुपीज़ पर पर्सन एंड मंडे इज़ क्लोज। तो मेक योर प्लान अकॉर्डिंगली, कहीं ऐसा ना हो कि आप मंडे आ जाएँ और आपको ये पार्क बंद मिले।